पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के नई झंझावट में फंस गई है। पार्टी के तेज नेताओं द्वारा पत्र लिखने, बिहार चुनाव के बाद वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के सवाल उठाने और गुलाम नबी आजाद द्वारा इसका समर्थन कर देने के बाद कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी कलह बढ़ गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी कोई जितेंद्र प्रसाद जैसा चेहरा भी नहीं है जो सोनिया गांधी की तरह राहुल गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सके। विफलता कांग्रेस के भीतर घमासान छिड़ा है। पार्टी अंदरूनी तौर पर दो फाड़ की स्थिति में है और इस बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावनाएं कम है। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के नेतृत्व के सवाल पर कहा कि पार्टी में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कभी को सभी का समर्थन है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर पार्टी के एक पूर्व महासचिव का कहना है कि कार्यकर्ताओं में पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर असमंजस की स्थिति है और वो निराशा भी है। यही सब सही है, लेकिन सोनिया गांधी या राहुल गांधी अथवा प्रियंका गांधी के सिवाय कोई कांग्रेस को एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कांग्रेस टूट फूट जाएगी। गांधी की रीति नीति को समझने वाले कई नेता हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक नेता गुरुग्राम ने कहा कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में भी पार्टी के एक दिग्गज रहते हैं। लुटियन जोन में रहने वाले एक नेता ने बिहारी तौर पर खुद को सभी गतिविधियों से प्रत्यक्ष और तौर पर काफी दूर कर लिया है, लेकिन परोक्ष रूप से वो लगातार सक्रिय बने हुए हैं। गंगा जमुनी तहजीब वाले भी कुछ नेता हैं। पिछले एक सप्ताह के व्यापक मंथन के बाद ये निकल कर आया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी का राजनीति करने का तरीका सोनिया गांधी से बिल्कुल उलट है और कांग्रेस की संस्कृति से बहुत कम इत्तेफाक रखने वाला है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कांग्रेस को पार्टी के कोषाध्यक्ष अहमद पटेल की तरह एक संकट मोचन मैनेजर की जरूरत है। ऐसे मैनेजर जिसे पार्टी की नस नस की जानकारी हो, सत्ता पक्ष को समझता हो और अंदरूनी मोर्चे कांग्रेस को अपने नेताओं से संभाल सके। इस बारे में कांग्रेस के एक राज्य के मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि हमारी कश्ती वही डूबी जहां पानी बहुत कम था। कांग्रेस को बाहर की चुनौतियों से उतना बड़ा खतरा नहीं है। पिछले 5 साल से कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व महासचिव हैं, पंजाब के प्रभारी रही हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो एक दो अमरिंदर सिंह दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि पूरे कांग्रेस टटोलता हूं तो एकाध भूपेश बघेल नजर आते हैं। गिने चुने ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और इनको या इनके ईगो को संभाल कर नहीं रखिएगा तो वो पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। सचिन पायलट भी एकाध हैं जो कड़ी मेहनत करके राज्य में सरकार बनवाने की कोशिश करते हैं और बाद में प्रोफेशन का शिकार होने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत की कोई भी कमी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि चाहे महाराष्ट्र देख लीजिए या फिर उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोलकाता, पूर्वांचल और दक्षिण भारत, ऐसा होता तो हमें गुजरात में हार्दिक पटेल या कर्नाटक में सिद्धरमैया की जरूरत नहीं पड़ती। हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में क्यों जाते? यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के पास नेता ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस के पास राज्यसभा की कैटेगरी वाले नेता हैं, लेकिन राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचने का अवसर ही सिमट गया है। वही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में उनकी खूब चलती थी। इंदिरा गांधी के जमाने वाले नेता के इस शरीर में रक्त का प्रभाव बहुत शीतल हो चुका है। आर्थिक उग्रवाद, तकनीकी और सामाजिक बदलाव ने भी काफी समय बदल चुका है, इसलिए राजीव गांधी के दौर से पीछे जाना ठीक नहीं है। 2002 और 2001 के बाद वाले अधिक नेता 5 सितारा संस्कृति के राजनीति की आदि हैं। बड़ी संख्या में मिलिंद देवड़ा सरीखे हैं। नए दौर के एक तेज तर्रार महिला नेता का कहना है कि नाम मत छिपाइए, बस नेहरू गांधी परिवार से अलग एक नाम बताइए जो कांग्रेस को संभाल पाए। नए अध्यक्ष के सवाल पर सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन नया अध्यक्ष चुनना पार्टी के सामने सबसे बड़ी मंजूरी है। सत्र का कहना है कि जो भी नया अध्यक्ष जाएगा वो कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी और शायद 70 के दशक की वाली इंदिरा गांधी जैसी चुनौती से उसे निपटना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं? दरअसल इसका जवाब आसान नहीं है। बेंगलुरु में अब राज्य की राजनीति की तरफ लौट चुके एक पूर्व महासचिव ये कहकर चुप्पी साध लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी को समझाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि इंतजार कीजिए, समय बताएगा। तमिलनाडु से एडविड अनविन कहते हैं कि पार्टी के भीतर बड़ी चुनौतियां हैं। मुझे अफसोस है कि लोग चुनौतियों को गिना देते हैं।
लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए ना तो पार्टी के फोरम अब आगे आते हैं और ना ही क्षेत्र में जनता के बीच। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता सेव राहुल गांधी को लेकर बहुत आशावादी है। वो कहती हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व महासचिव कहते हैं कि ये बात राम पत्र पर लिखवा दीजिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सिवाय किसी अन्य ने कमान संभाली तो कांग्रेस पार्टी में टूट टूट कर होकर राजनीतिक दल बन जाएंगे। वो कहते हैं कि इन दोनों में से किसी के भी अध्यक्ष बनने पर कुछ नेता नाराजगी बस घर बैठ सकते हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बची रहेगी। इस सवाल पर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि वो कल्पना पर आधारित सवाल का उत्तर नहीं देती। बहुत कुरेदने पर केवल इतना कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने भारतीय राजनीति को नया आधार दिया है, इसलिए चुनौती बहुत कड़ी रहेगी। हरियाणा के एक युवा नेता का मानना है कि राहुल गांधी को बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। समाजवादी पृष्ठभूमि में कांग्रेस बने एक नेता का कहना है कि राहुल गांधी जिस सोच और उद्देश्य को लेकर जैसे पार्टी पहले कार्यकाल के दौरान पार्टी में बदलाव कर रहे थे, उनका वो तरीका बदलना पड़ेगा तब वो सफल हो सकेंगे। वही बता दें कि साल 2003 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जिस कुशलता से टीम बनाई थी उस मॉडल पर अमल करना पड़ेगा वरना कांटे भी पड़े हुए हैं। रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़।